देवतलिया माई शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन कमार क्रमांक है 1001। दिन गुरुवार, तारीख 5 सितंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय अशीष सिंह साहब, और जिनका जो विषय है वो है प्रज्ञोपनिषद सारांश भाग 51, प्रज्ञोपनिषद श्रृंखला की अंतिम कक्षा। तो सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि कल आपको 1000 वक्तव्य पे सुनने से रह गया था, तो आप अगर थोड़ा सा हमको कल वाला जो विषय आपके मस्तिष्क में चल रहा वो अगर हमें बताएं और उसके बाद अपनी कक्षा को शुरू करें तो हमको हार्दिक प्रसन्नता होगी। आदरणीय सिंह साहब। धन्यवाद सर। एक बार उस परम चेतना को प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा उसी हिसाब से किया जाएगा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संभवं संभव कर्तुम उद्यतम प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकाल ममो नमः। इस कक्षा में उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, स्नेही स्वजनों को नमन वंदन, और आज इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। जैसा कि अभी अरविंद शर्मा साहब ने कहा था कि कल हमने इनफैक्ट 50 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन आपने आदेश दिया था कि शुरू में ही आपको रखा जाएगा, तो हम सोच के चले थे कि 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो हम 1 घंटे के हिसाब से नहीं बैठ पाए थे, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी 40-50 मिनट तक रहे, और 50 मिनट के बाद फिर किसी इम्पॉर्टेंट काम से जाना पड़ गया, तो अब आज फिर हम उपस्थित हैं। तो एक तो जो 1000 कक्षा संपन्न हो गई थी कल, और आज उसके आगे की श्रृंखला चल पड़ी है। तो सबसे पहले तो आज की कक्षा, क्योंकि 1001 जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ये बल देती है 1000 को, और शिक्षक दिवस पर हम हृदय से आप सभी शिक्षक बंधुओं का हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। और जो सहस्र कक्षा हम लोगों ने पूरा किया, उसका अगर देखा जाए संक्षेप में, तो जो उसका प्रारंभ हुआ था, जहां तक हमको याद है, कि एक दिन कोरोना काल में हम बैठे अपने आनंद में मग्न थे, अरविंद शर्मा साहब ने फोन किया कि क्या कुछ कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई बाहर शेड में फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं, और गायत्री साधना आपकी कैसी चल रही है। हमने कहा गायत्री साधना का मतलब है हर हाल मस्त रहना। तो क्या इतनी भीषण परिस्थितियां चल रही, हमने कहा इसी में तो आनंद लेना है, यही तो गायत्री साधना है, और कौन सी गायत्री साधना है। इसी पॉइंट पर शर्मा साहब ने कहा कि चूंकि कुछ मजबूरियां ऐसी हैं, नहीं तो हम लोग एक साथ बैठते और फिर कम से कम 1 घंटे कुछ चर्चा चलती। तो हमने कहा चर्चा के लिए बैठना जरूरी नहीं है, मानस जरूरी है। तो हम लोग आमने सामने वीडियो पर भी बैठ के चर्चा कर सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है। हमने कहा हाँ, जूम क्लासेस पिछले 4-5 साल से हम उसी क्लास के माध्यम से घर बैठे बैठे शिक्षण प्रशिक्षण सब अपना ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो कहे कि कल इसी बात पर हो जाए, गायत्री मंत्र का अर्थ जो है हर हाल प्रसन्न रहना। हमने कहा ठीक है, टॉपिक आपने डिसाइड कर दिया, अब कल यहीं से कक्षा शुरू हो जाती है। और उस टाइम कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का चक्कर नहीं था, तो एक इनके मित्र थे, तो वो 40-40 मिनट का हर आदमी ओपन कर सकता है, जो भी गूगल कर सकता है। तो शुरुआती दौर में फिर 40-40 मिनट पर, और यहीं से शुरुआत हुई कक्षा की, और कम से कम 2-3 महीने तक चला। उसमें कुछ थोड़ा सा अवरोध भी आया, उन्होंने कहा हमको परमिशन लेना पड़ेगा। फिर हमने शर्मा साहब से बात किया कि भाई जूम के बारे में टेक्नोलॉजी हमको पता है, कहीं किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ 16-17 हज़ार रुपये की फीस लगती है,
और 100 की स्ट्रेंथ का एक मिल जाता है और हम पिछले 5 साल से चला रहे हैं। फिर 2.5-3 महीने के बाद वो श्रृंखला चल पड़ी और सिस्टमेटिक जो है वो रिकॉर्डिंग के साथ में और फिर आने लगी। और वो श्रृंखला एक मत्स्यावतार के रूप में कि कहाँ से शुरू हुई, जूम टेक्नोलॉजी की बात हुई और गायत्री मंत्र का अर्थ प्रसन्नता है, चूंकि लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग बैठ के चाय नहीं पी पाते थे और हम लॉकडाउन से प्रभावित नहीं थे क्योंकि कैंपस हमारा जो है पूरी तरह से ब्लॉक था, बाहर वाले अंदर आ नहीं सकते, अंदर वाले बाहर जा नहीं सकते, तो हमारे ऊपर लॉकडाउन का कोई असर नहीं रहा। तो वहां से श्रृंखला चल पड़ी और श्रृंखला की जो होकर बहुत संक्षिप्तीकरण किया जाए तो दर्जनों की संख्या में बहुत ही वरिष्ठ लोग, सैकड़ों की संख्या में विषय लिए गए, हजार की संख्या पहुंच गई कक्षा की हमारी जो सिस्टमेटिक कक्षा चली, और जो नॉन सिस्टमेटिक नॉन रिकॉर्डेड है वो तो 1,000 से ऊपर चली जाएगी, उसकी तो गिनती ही नहीं की गई है। ये तो गिनती वहां से की गई जो 2-2.5 महीने के बाद जब उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई, जब अरविंद शर्मा साहब ने लाइसेंस उसका ले लिया। इसकी पृष्ठभूमि तो उसके काफी पहले पड़ चुकी थी। और उससे भी बड़ी ताज्जुब कि हजारों में हमारी कक्षाएं हुई और लाखों की संख्या में हमारे दर्शक उससे लाभान्वित लगभग हो चुके हैं। और अगर देखा जाए फाइनेंशियल एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं कि कितने रुपए का काम हुआ, करोड़ों रुपए का काम हुआ घर बैठे बैठे। और ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो चुका है और इसी को कहते हैं आध्यात्मिक जो पुरुषार्थ होता है, उसके लिए बस खाली एक सद्विचार आ जाए और उस सद्विचार का थोड़ा सा रूप दे दिया जाए कर्म के रूप में। तो सद्ज्ञान के साथ में सत्कर्म को इन्होंने जोड़ दिया और चूंकि इतनी सारी फीस ले ली गई, इसमें गूढ़ ज्ञान के रहस्यों को आदरणीय आर्यन पांडे साहब जैसे विद्वान लोग भी इसमें आए कि जो दर्शन को, वेद को, उपनिषद को और गूढ़ विषयों पर जहां पर जन सामान्य जाना से घबराता है उनको भी बहुत सी सरल भाषा में प्रयास किया इन्होंने सुलझाने का और लोगों के सामने परोसने का। आदरणीय नेब साहब ने एक लंबी श्रृंखला कि कैसे हम सामान्य ढंग से जीवन को जी सकते हैं, सारे अध्यात्म का, सारी शिक्षा का, सारी विद्या का टोटल निचोड़ निष्कर्ष यही आता है, एक जन सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा न भी हो, अच्छी शिक्षा न भी लिया हो, उसको भी परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है, बस उस कला को थोड़ा सा हम जान जाए। उसी तरह से हमारे भदौरिया साहब गीता को सहज ढंग से परसने का, गीता के सहज भाव क्या है, श्रृंखला चलाते अपने से जो बन पड़ा अपने से भी प्रयास किया गया। जब जब शर्मा साहब का आदेश आया तब तब एक नया टॉपिक लेकर के उस पर आचरण के माध्यम से प्रयास किया गया कि भाई चूंकि हमने प्रैक्टिकल इसका किया है तो प्रैक्टिकल में, थ्योरी में तो जो लिखा है लेकिन प्रैक्टिकल में हमको फायदा मिला है तो उसका भी, क्योंकि प्रभावी ज्यादा होता है शिक्षण अगर आचरण में उतार करके किया जाए, उससे भी मिला। उसके बाद हर फील्ड को लिया गया, चाहे हम लीगल फील्ड को ले लें, टैक्सेशन फील्ड को ले लें, इनकम टैक्स को ले लें, जीएसटी को ले लें, वहां से लेकर के मेडिकल फील्ड को हर फील्ड में लिया गया, योग पर भी लिया गया, मनोविज्ञान पर भी लिया गया, आयुर्वेद पर भी लिया गया, एलोपैथ पर भी लिया गया, कोई सब्जेक्ट अछूता नहीं रहा। और लास्ट में जिसकी कमी रह जाती है वो तो कला और संगीत, हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों के माध्यम से वो भी रस घोल दिया कि जहां पर हम लोग एक निरस्ता मान के चलते हैं कि भाई जब हम दर्शन की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं तो बहुत निरस हो जाता है, तो उसमें सरसता भी घोली गई और इसके माध्यम से श्रृंखला चल पड़ी और ये श्रृंखला आगे गतिशील रहेगी। और अगर आगे गतिशील किसी कारण से नहीं भी रहती है तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आध्यात्मिक और भौतिक किया जा चुका है उसकी गतिशीलता नहीं रुक सकती है, वो तो पनपती रहेगी। उसके दर्शक क्योंकि वीडियो कुछ थोड़ा सा विलंब से आए हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारी अपनी जो वीडियो है लगभग
हर वीडियो को अगर 10 दिन में गई है तो 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट उसका पहुंच चुका है। एक दो वीडियो तो 500 700 तो पहुंच गई है दर्शक में। तो डिपेंड करता है कि उसकी उपयोगिता कितना हो पा रही है। और अगर 1000 कक्षाएं हुई हैं और औसतन अगर 100 ले लिया जाए तो लाख तक तो मान के चलें कि स्ट्राइक रेट पहुंच जाएगा। वीडियो आते आते भी वीडियो 1000 नहीं आ पाई है किसी कारण से, 600 700 के बीच में ही वीडियो आई है। 1000 वीडियो आते आते ये 1.5 लाख से ऊपर इसके व्यू चले जाएंगे, स्वतः चले जाएंगे। तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि ये अनवरत इसी तरह से, और जब प्रज्ञोपनिषद परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है तो जिस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसके शुरुआत में ही उन्होंने दिया है जिस पर अभी पहले उसी पर चर्चा कर लें। तो कुल मिलाकर के निचोड़ यही है, हम इसका समीक्षा में थोड़ा सा और व्यू ले लेंगे कि उस पर निचोड़ क्या इसका है। नारद जी को उन्होंने कहा था कि हे नारद, विष्णु लोक में जब चर्चा चली थी इस प्रज्ञोपनिषद को लिखने के पहले अध्याय में, कि आज की समस्याओं का निराकरण क्या है, कारण क्या है, उसका निराकरण क्या है? तो कारण में आस्था संकट है, सिर्फ आस्था संकट। जो स्थिर आधार है वही संकट में आ गया है, और स्थिर आधार अगर संकट में आ गया है तो उसका एक ही समाधान है कि ज्ञान की घनघोर वर्षा आकाश के माध्यम से किया जाए। और यही घनघोर वर्षा, उसके लिए हम सभी मिल करके पुरुषार्थ जो है आदरणीय अरविंद शर्मा जी के माध्यम से, आदरणीय अभिषेक शर्मा जी के माध्यम से, जिन लोगों ने संचालन किया है यहाँ पर, ये वर्षा ऑलरेडी हो चुकी है, बादल ऑलरेडी जा चुके हैं, और जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया था उसमें पहले अध्याय में, यही समाधान विष्णु भगवान देते हैं कि जब घनघोर वर्षा होगी और बाकी तो हमारी जो निराकार चेतना है उतना काम करती रहेगी। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि ये अनवरत श्रृंखला चलती रहे और हम अधिक से अधिक सभी लोगों के साथ मिलकर के राष्ट्र साहब, का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, समाज की सेवा आपने सच्ची ऋषि साहब अर्थों को में नहीं कर बोला सके। अपना, जिन्होंने अटेंडेंस उनके 100% रही है, देव ऋषि साहब की अटेंडेंस। सर अभी तो हम उस पर आई नहीं रह चुके, वो बहुत बृहद टॉपिक हो जाएगा हाँ नहीं, अगर हम उनके एक, क्योंकि उनकी जो अटेंडेंस है सत्य है देव उनकी। ऋषि साहब तो एक ऐसे महान विभूति हैं कि हर क्षण हमको प्रेरणा देते रहते हैं। जैसे हम वीडियो खोलते हैं पता चलते देव ऋषि साहब सामने मिलते हैं, प्रणाम करने का हमको सबसे पहले अवसर देव ऋषि साहब को मिलता है। आपको कभी कभी बाद में भी मिलता है, आपका वीडियो ऑफ रहता है लेकिन देव ऋषि साहब का ऑन रहता है। आप कभी कभी अपना हैंड ओवर करके चले जाते हैं, अब से जी संभाल लेते हैं लेकिन देवऋषि साहब नहीं हैंड ओवर करते हैं। हम उस पर व्यक्तिगत तुलना पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए चूंकि हमारे सभी साथी बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबने प्रेरणा दिया है और सबकी प्रेरणा से ही ये इतना बड़ा पुरुषार्थ संभव हो पाया है, और इसके परिणाम तो बाद में आते रहेंगे, अभी तो खाली बीजारोपण हुआ है। तो अगर इजाजत हो तो फिर हम इस कक्षा पर चलें, चूंकि आज ठीक है, सारांश ठीक है और प्रज्ञोपनिषद है, ठीक अपने आप में एक अथाह सागर है और इसकी समीक्षा 1 घंटे में करना है। तो समीक्षा सारांश क्या किया सकता है, बस खाली कुछ कुछ हेडलाइंस को बताया जा सकता है। तो इस पर अगर हम प्रज्ञोपनिषद पर देखें तो टोटल आज 51वां क्लास है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी रचना जो लास्ट में लाके या जब उन्होंने सारे आर्ष ग्रंथों का हिंदी में भाष्य कर लिया, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, पुराणों का, कोई भी आर्ष ग्रंथ नहीं बचा है धरती पर, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबका भाष्य किया, छोड़ा नहीं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ किया। उसके बाद उन्होंने उपनिषदों को नए स्वरूप में देने का प्रयास किया, पुराणों को नए स्वरूप में देने का, तो अभिनव रचना की आवश्यकता पड़ गई। और इस प्रज्ञोपनिषद में टोटल 6 मंडल किया उन्होंने, 6 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया है। उनके हार्दिक इच्छा तो 18, जैसे पुराण हमारे हैं तो 18 मंडल क्रिएट करने का था, लेकिन उनका समय अगर मिला, आगे की यात्रा जारी रहेगी, लेकिन 6 मंडल कंप्लीट किया उन्होंने। और 6 मंडल में 7 7 अध्याय के रेट से 42 अध्याय हुआ, टोटल 3,907 अभिनव श्लोकों की रचना किया उन्होंने। गीता में
तमाम श्लोक जो हैं उपनिषदों से भी आए हैं, लेकिन इसमें जो 3907 की रचना किया उन्होंने पूरी तरह से अभिनव, कहीं से नहीं आया है। अगर हम एक-एक मंडल को लेते चलें कि पहले मंडल में जो नाम दिया गया और बहुत वैज्ञानिक ढंग से लिखा उन्होंने, पहला मंडल लोक कल्याण के लिए लिखा, दूसरा टारगेट जो था नर पिशाच से नर पशु और देव मानव महामानव कैसे बनते, तो दूसरा मंडल देव मानव का दे दिया, तीसरा जन सामान्य परिवार बना करके रहता है और अध्यात्म बिना परिवार के नहीं चल पाता है, सबसे बहुत आसानी मिल जाती है सदगृहस्थों के लिए, तो सदगृहस्थ किस तरह से ज्ञान दर्शन को ले, तो एक परिवार खंड रख दिया उन्होंने। चौथा उन्होंने रखा हमारी भारतीय संस्कृति है क्या जिसको हम देव संस्कृति कहते हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति से किस माने में भिन्न है। पांचवा अब नंबर आ गया इसके बाद आत्म कल्याण, और जब आत्म कल्याण हमारा कर लेते हैं, आत्म प्रखरता आ जाती है, ब्रह्म साहजता आ जाती है, तो जो इसका आखिरी खंड होता है देवात्मा हिमालय खंड, देवात्मा हिमालय खंड में आकर के हम उस भाव में पहुंच जाते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानू करो प्रणाम जोर जुपान, चाहे वो पर्वत हो चाहे वो नदी हो चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो वृक्ष वनस्पतियां हो जीव जंतु हो, सब में वही सत्ता दिखाई पड़ने लगती है। तो बड़ा विज्ञान सम्मत इन्होंने एक बाई स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़े हैं, और एक दोनों उन्होंने दूसरा परंपरा इसमें लिया प्रज्ञोपनिषद में, जो सूत सौनक परंपरा थी, एक ऋषि प्रश्न कर रहा है, वरिष्ठ ऋषि अपनी गरिमा के अनुरूप प्रश्न कर रहा है, और दूसरा उसका विषयगत विशेषज्ञ ऋषि उसका उत्तर दे रहा है, तब प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रज्ञोपनिषद की रचना की गई। तीसरा इसमें लिखा जाए स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट हुए, और जो हमारे देव संस्कृति में चलता है उसके अनुरूप इसकी रचना की गई, और लिखने वाली सत्ता एक ही, वही अलग अलग ऋषियों का नाम लेकर के अलग अलग सूत्रधारों को बना करके अपने को खाली उसने रिफ्लेक्ट किया है जो वो आचरण में समाहित किए थे तपश्चर्या के माध्यम से। तो जब पहला मंडल हम लेते हैं तो लोक कल्याण को इसके सत्राध्यक्ष महर्षि पिप्लाद थे, और ये कहाँ पर सत्र चला था, 5 दिन का सत्र चला था उत्तराखंड में अभयारण्य की, और इसमें 586 सूत्रों की अभिनव रचना किया है। दूसरा मंडल अगर हम लें देव मानव, तो महर्षि आश्लायन इसके सत्राध्यक्ष हैं, और ये ज्ञान संगम हुआ था नैमिषारण्य में, जिसके लिए हमारे भारत भूमि फेमस है नैमिषारण्य। तीसरा जो परिवार खंड चला है, परिवार मंडल जो दिया गया है, वो सदगृहस्थों के लिए महर्षि धौम्य ने रचा, और ये 7 दिन का सत्र चलाए थे हरिद्वार कुंभ पर्व, कुंभ पर्वों की जो परंपरा चली थी वो सदगृहस्थों के लिए थी कि हमारे परिवारों का निर्माण जो है देश काल परिस्थितियों के अनुरूप जो समस्याएं आ रही है उसका विज्ञान सम्मत अध्यात्म सम्मत समाधान क्या है, उसको कुंभ पर्व स्वर्ण पर्व करते थे। और उसके बाद जो चौथा मंडल आया देव संस्कृति की, देव संस्कृति मंडल महर्षि कात्यायन उसके सत्राध्यक्ष थे, और ये एक गुरुकुल चलाते थे, उनका गुरुकुल जो है टकसाल था जिसमें जो स्नातक निकलते थे वो अंदर से बहुत पवित्र होते थे और बाहर बहुत विकसित और व्यवस्थित इनकी जीवन चर्या चलती थी। तो ये पूरा का पूरा सत्र महर्षि, और अगर पांचवा मंडल ले आत्म कल्याण आत्म शोधन जिसमें आता है, इसके सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य थे, जो त्रिपुर आरण्यक में एक ज्ञान सत्र ऋषियों और मुनियों के लिए रखा गया था, उसमें यह आत्म कल्याण वाला विषय रखा गया। और जो छठा मंडल था देवात्मा हिमालय, इसमें देवताओं के ऋषि और ऋषियों के देवता जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं देवर्षि नारद इसके सत्राध्यक्ष हैं, और ये 10 वरिष्ठ ऋषियों को लेकर के, क्योंकि उस शिक्षण की वो 10 के ऊपर एक थी ताकि एक का नियंत्रण 10ों के ऊपर रहे, और चलते फिरते इन्होंने पूरे देवभूमि हिमालय का शिक्षण दिया 7 दिन के सत्र में।
कि आखिर ये देवभूमि पुण्य भूमि कैसे बनी है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, ये लास्ट था। अब अगर हम उसके कुछ विषय वस्तु पर आ जाए कि इसमें क्या कुछ चर्चा की गई थी, तो आस्था संकट जो कारण है वहां से लेकर के लास्ट जो 42वां अध्याय है, ये समाधान उसका महर्षि परंपरा का पुनर्जागरण, और कोई उपाय नहीं हो सकती है। तो हम शुरुआत से चलते हैं कि शुरुआत में अगर लोक कल्याण जिज्ञासा देखें तो इसमें टोटल 7 अध्याय लिए गए थे, उसमें एक लोक कल्याण जिज्ञासा थी, अध्यात्म दर्शन भी था, अजस्त्र अनुदान उपलब्धि भी थी, और उसके अलावा संयमशीलता कर्तव्य परायणता भी थी, उदार भक्ति भावना भी थी, सत साहस का प्रकरण क्या था, और युगांतरीय चेतना का लीला संदोह, मतलब प्रज्ञा युग की तरफ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, चेतना कैसे अपना लीला संदोह कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इन 7ों विषयों पर लिया गया था। 17 अध्यक्ष इसके, पिपलाद ऋषि। अब अगर हम आस्था संकट पर लेके चलें, जो पहला अध्याय है, तो चूंकि शुरुआत एक भूमिका के रूप में होती है कि देवर्ष नारद विष्णु लोक में, चूंकि उनका आना जाना रहता था, वो चेतना के साथ में साझ्यता स्थापित करते थे, ऋषियों के देवता और देवताओं के ऋषि, और तीनों लोकों में उनकी पहुंच, वहां पहुंचते हैं और समाधान पूछते हैं कि धरती पर आज के समय, ये उस काल की बात नहीं है, आज निकाल लेते हैं, ऋषि महात्मा तो निकाल लेते हैं, लेकिन एक अनपढ़ आदमी, एक गंवार आदमी, परमेश्वर है आप, सृष्टि के नियंता हैं, संचालक हैं, आप उपाय बताएं, वहां पर वो बताते हैं। इसका कारण आस्था संकट है, जो हमारा स्थिर आधार है वही खिसक गया है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, स्वयं को भूल गए हैं, और उसका परिणाम क्या निकल रहा है, चिंतन की दिशा धारा ही बदल गई, जो सोचना चाहिए वो न सोच करके, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना शुरू कर रहे हैं, तो इसके मूल में अचिंत चिंतन है, और उसका रिजल्ट क्या आता है, अयोग्य आचरण। अब अचिंत चिंतन अयोग्य आचरण, फलतः रोग शोकार्ति कला क्लेश, इसका पतन पराभव, ये सारी जो विभीषिकाएं आ रही हैं, ये आती ही आती है, ये नियामक सत्ता के नियम व्यवस्था है। तो परिवर्तन कहाँ करना है, आस्था के ऊपर चोट करना है, चिंतन की प्रक्रिया अगर हमारी उलट जाए तो उल्टे को उलट करके सीधा करके और सिस्टम को करेक्ट किया जा सकता है, ये विज्ञान का भी नियम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सोलूशन भी बताते हैं कि मैं तो निराकार हूं, और निराकार का काम क्या हो सकता है, परमात्मा सिर्फ प्रेरणा दे सकता है, और उस प्रेरणा को कौन सुन सकता है, जो हमारे देवदूत हैं, जिनके अंतःकरण कुछ पवित्र और परिष्कृत हो चुके हैं, उनके अंत प्रेरणा तो मैं सबके अंतःकरण में देता हूं, लेकिन सबको सुनाई नहीं पड़ता है, तो जो अग्रदूत हैं उनको खोजने की भूमिका करनी पड़ेगी, वो साकार है, शरीरों को तो हम इस्तेमाल खाली करते हैं, अब सिर्फ एक ही काम चल रहा है, अग्रदूतों की तलाश, और जो अपने अंतःकरणों को पवित्र करके परिष्कृत करके, और फिर इस प्रेरणा को, जो कि पहले अध्यात्म की पहली भूमिका जो होती है, वो बोधत्व की प्रेरणा, आत्म प्रेरणा जब आती है, उसी में ईश्वरीय अनुदान मिलना शुरू हो जाता है, वही आपको रास्ता मिलता है, वहीं से पता चलता है कि हमारा रास्ता सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब यही दोनों मिल करके, निराकार ईश्वर और साकार मनुष्य, उसके जो अग्रदूत हैं मनुष्यों में, मिल करके
ज्ञान की घनघोर वर्षा कर सकते हैं और उसी के माध्यम से लोगों की चिंतन प्रक्रिया परिवर्तित होगी और आचरण में परिवर्तन आएगा और अपने आप करेक्शन हो करके अप्रज्ञा युग का निर्माण होगा। उन्होंने टारगेट भी क्लियर कर दिया और बता भी दिया कि मिलेगा ही मिलेगा, ये ईश्वरीय विधान है। तो वही हम ज्ञान की वर्षा हम सब मिल करके कर रहे हैं और वही परम पूज्य गुरुदेव का आदेश भी था और यही आदेश विष्णु भगवान ने नारद जी को दिया, हे देवर्षि जाओ और पूरे धरती पर ज्ञान की घनघोर वर्षा आकाश के माध्यम से, आकाशीय विद्या के माध्यम से करो और बाकी हमारी चेतना स्वतः अपना सारा काम कर ले। अब दूसरा अगर हम आते हैं तो दूसरा अध्याय होता है अध्यात्म दर्शन का, और अध्यात्म का सीधा सा मतलब एक लाइन का, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ा पुरस्कार। टोटल अध्यात्म का निचोड़ ही यही है कि आत्मिक प्रखरता को हम कैसे इम्प्रूव करें, तो सारा चीज आकर के इसी पर टिका हुआ है। और तीसरा जो अजस्त्र अनुदान जो अध्याय दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे गायत्री का उन्होंने दिया है, तो गायत्री कोई देवी देवता का कॉन्सेप्ट नहीं लिया, चूंकि प्राण से ही सृष्टि बनी हुई है और प्राण के साथ में साज्यता स्थापित करने की तीन धाराएं बताया उन्होंने, उपासना साधना और आराधना के माध्यम से इसी में अगर प्रखरता कर ली जाए तो आंतरिक पवित्रता बढ़ेगी और पात्रता का विकास होगा, और जैसे पात्रता का विकास हुआ हम चेतना से जुड़ जाएंगे, तो ये जो अनुदान है उपलब्धि है इसकी चेन चल पड़ेगी और अजस्त्र होगी मतलब सतत चलती रहेगी, जितना हमको आवश्यकता रहेगा उतना अनुदान वो ईश्वरीय सत्ता हमको देती ही रहेगी, इस पर प्रैक्टिकल किया जा सकता है, हम चूंकि कर रहे हैं हमको मिल रहा है। अब इसके आगे चलते हैं जो चौथा अध्याय है, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता, तो उसमें आया था कि किस देवता की उपासना करने से तुरंत फल मिलता है, दिखता है, बाकी देवताओं की उपासना करते हैं वो अगले जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे तो पता है, इसलिए जो सबसे बड़ा देवता है देवों में देव आत्मदेव, और आत्मदेवता की उपासना से तत्काल आपको फायदा मिलेगा, इसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। और आत्मदेव की उपासना का रास्ता भी बता दिया कि संयमशीलता से आपके कचरे साफ होंगे और सृजनशीलता से आप गतिशील हो जाएंगे, एक को तप कहते हैं दूसरा को योग कहते हैं, तप से हम अपने कचरों को साफ करते हैं उसी को आत्मसंयम कहते हैं, और अगर उससे जब सामर्थ्य मिलती है तब से शक्ति का सिद्धांत है, अब उस शक्ति का सुनियोजन हम किधर करते हैं, यह संयमशीलता और कर्तव्य परायण का सूत्र। उसके बाद अगर आते हैं पांचवें अध्याय में, प्रति भावना लेके चलते हैं कि आत्म प्रेरणा जो है जब मिलती है तो उपलब्धि आने लगती है, फिर उस श्रेष्ठ सत्ता के प्रति श्रद्धा उमड़ने लगती है, और श्रद्धा क्या होती है, आदर्शों के प्रति जो प्रगाढ़ लगाव होता है उसको श्रद्धा कहते हैं, और यही आदर्शों के प्रति प्रगाढ़ जो लगाव आता है यही हमारा आत्म कल्याण करता है और यही लोक कल्याण का कारण, दोनों रास्ते पूरे, हम संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना यही तो मानव जीवन का उद्देश्य है, और इसमें जब भक्ति भावना उदार भक्ति भावना घुसने का मतलब श्रद्धा हमारी कितने अंशों में सजल होती, कितने अंशों में हमारा जीवन दूसरों के लिए सदुपयोगी बनता, ये उदार भक्ति भावना है। और इसी का जब थोड़ा सा उल्टा लेके चलते हैं तो उल्टे में आ जाते हैं तो सत्साहस के दुराचार इसलिए आ जाते हैं कि हमारे लिए कोई स्थान है कि नहीं अध्यात्म में, तो उनके लिए भी सत्र अध्यक्ष देते हैं कि आपका तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सृजन बिना विनाश के तो संभव ही नहीं है, तो सत्साहस जो है वहीं से तो अध्यात्म की नींव उत्पन्न होती है,
और देवासुर संग्राम तो सतत चला है और सतत चलता रहेगा। अज्ञान, अभाव और अन्याय के प्रति ये तीन राक्षस हैं, इनके प्रति तीन देवता ज्ञान, कर्म और अवतार, यही त्रिशूल है। शिव जी का त्रिशूल लोभ मोह अहंकार को टोटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसीलिए देव में देव महादेव को भी कहते हैं। तो इसीलिए सत्साहस की आवश्यकता है कि जब तक हम विध्वंस नहीं जानेंगे तब तक हम सृजन नहीं कर सकते। राम राज्य की स्थापना करना है तो पहले तो लंका दहन करना पड़ेगा, और हमारे जो दर्शन है इसमें गीता ले लें, दुर्गा सप्तशती ले लें, इसमें सत्साहस की ही तो चर्चा हुई है कि देवासुर संग्राम ही तो है, बिना देवासुर संग्राम के योग नहीं हो सकता। इसीलिए गीता के सारे अध्याय एक एक योग बन गए, 18 योग बन गए। और जो लास्ट अध्याय है कि युगांतरी चेतना का लीला संदोह, टोटल उसका मतलब यह होता है कि ये जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है लोक कल्याण के लिए, जो हम चर्चा किए हैं, व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में जब श्रेष्ठता का समावेश होता है तब जो है समाज एक नए युग की तरफ चल पड़ता है, और वो नया युग सतयुग से भी अच्छा आएगा, उसको प्रज्ञा युग नाम दिया गया है। और ये चूंकि ईश्वरीय चेतना अपना लीला संदोह कर रही है, एको अहम बहु श्याम का आनंद ले रही है, और ये अवश्यम भावी है, और जितने अंशों में हम अपने को परिष्कृत और परिवर्तित करते चलेंगे उतने अंशों में युग हमारे अंदर अवतरित होता चला जाएगा। अब अगर हम दूसरे अध्याय पर आते हैं, पहला अध्याय लोक कल्याण जिज्ञासा थी, महर्षि प्रहलाद उसके सत्राध्यक्ष थे, और उत्तराखंड अभयारण्य में यह सत्र हुआ था संपन्न, और दूसरा अध्याय देव मानव, उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से तमाम जोनियों में आते चले जा रहे हैं, तो हमारे अंदर पिशाचता भी है, पशुता भी है, और कुछ कुछ देवत्व के भी गुण आ जाते हैं। तो नर पिशाच से नर पशु कैसे बने, और नर पशु से नर मानव और देव मानव और महामानव, यही तो टारगेट है। ढांचा तो हमारा वही रहेगा, चाहे राक्षस हो चाहे महामानव हो, ढांचा नहीं बदलेगा, लेकिन जो अंदर से बदलना है वो उसका क्या आधार क्या है। और देव मानव को अगर लें तो देव मानव जो खंड की रचना हुई ये नैमिषारण्य में ज्ञान संगम किया गया, और इसके सत्राध्यक्ष महर्षि आश्वलायन। अब तमाम ऋषि प्रश्न करते हैं, इसमें 7 अध्याय लिए गए हैं, पहले देव मानव समीक्षा आई है, फिर धर्म की विवेचना आई है, फिर धर्म के 5 युग्मों की चर्चा चली है 5 दिन, सत्य विवेक का युग्म क्या है, संयम कर्तव्य का क्या युग है, अनुशासन अनुबंध क्या होता है, सौजन्य पराक्रम क्या होता है, सहकार परमार्थ क्या होता है। इन्हीं 10 लक्षणों से जो धर्म की जो शाश्वत है, सनातन है, चिरंतन है, पुरातन है, इसका किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, इसको उन्होंने लिपिबद्ध किया है युग्मों के रूप में, उस पर चर्चा चली है। अब इसको अगर हम देख लें तो जो पहला अध्याय था देव मानव समीक्षा, हम सब जानते तो हैं अच्छा काम करने से अच्छा बन जाएंगे, लेकिन अच्छा काम कर नहीं पाते हैं उसका क्या करें, देव मानव कैसे बना जाए, तो उसमें जो उत्तर देते हैं उसका क्रक्स क्या है कि परमात्मा ने सारी सामर्थ्य दिया है, नियम व्यवस्था बनाई है, लेकिन मनुष्य को एक विशेष सुविधा दी है जो अन्यों को नहीं दिया है, वो दिया है स्वतंत्र चयन की, कि मार्गों का चयन हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अच्छा, ये सिद्धांत भी है कि हर मार्ग का लक्ष्य निश्चित है, तो जब लक्ष्य पूर्व निर्धारित है, अब चयन हमको मार्गों का करना है, हम भटक कहाँ जाते हैं, मार्गों के चयन करते समय जो हमारी विस्मृति होती है, हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, साधनों पर आ जाते हैं। चुनाव करते समय अगर हम साधन और सुविधा देख पड़ते हैं तो फिर जिस लक्ष्य को हम पकड़ लिए हैं उस लक्ष्य को, जो कि मार्ग के लक्ष्य निश्चित हैं, उधर पहुंच जाएंगे। इसकी व्याख्या भी हम लोगों ने उस टाइम चर्चा में किया था
कि अगर हम रेलवे स्टेशन पर जा करके प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं, दोनों तरफ ट्रेन लगी है, तो हमको अगर लक्ष्य पता है कि हमको चेन्नई जाना है कि कलकत्ता जाना है, और उसके हिसाब से अगर हम बोर्डिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रेन हमको वहां पहुंचा देगी। लेकिन अगर हमने सुविधा देख लिया, इस ट्रेन में ये सुविधा है, इस ट्रेन में ये सुविधा है, तो फिर एक बार अगर ट्रेन में हम बोर्ड कर गए, तो हमारे चाहने से, हमारे कर्मकांड से, हमारी पद्धति अपनाने से उसका जो निश्चित मार्ग है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो स्वतंत्र चयन में हम गलती यही कर बैठते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं, सुविधा और साधन देखने लगते हैं, यही सबसे बड़ा भटकाव। और चूंकि वो नियामक व्यवस्था एक है, उस नियम से चलती है, इसलिए वो वहां पहुंचा देती है। अगर हम दूसरे पर आते हैं, तो जो दूसरा उसका अध्याय है, धर्म का विवेचन, तो धर्म विवेचन में क्या कुछ सूत्र अपना करके एक नर पिशाच, नर मानव, महामानव, देव मानव बन सके, उसका एक ही उत्तर है, वह है धर्म। सिर्फ धर्म को ही हम अपना करके अपने लक्ष्य पर जा सकते हैं। जिस लक्ष्य के लिए हमने शरीर धारण किया है, उस लक्ष्य पर पहुंचने का इसके अलावा कोई आधार नहीं, वो धर्म है। और धर्म की परिभाषा भी देते हैं कि व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का जो समन्वय है, वही धर्म था। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, अगर इसका सतत बोध हमको होता रहे, तो फिर हमको मार्ग का चुनाव भी आसान रहेगा और चयन के बाद पहुंचना भी आसान रहेगा, और कितने समय में पहुंचेंगे ये भी अपने हाथ में दिया है, सब कुछ अपने हाथ में दिया है, ईश्वर ने सारी व्यवस्था बना के दी, वो अपने ऊपर है। तो स्वतंत्र चयन भी करें, पहुंचना कहाँ है ये लक्ष्य निर्धारित कर लें, और फिर पुरुषार्थ के माध्यम से, पुरुषार्थ की गति क्या होगी, इसको दर्शन में भी दिया है, तीव्र संवेगानाम आसन में, जितनी गति तीव्र होगी, जितने अभिप्सा फास्ट होगी हमारी, जितना विह्वलता आएगी, उतना ही जल्दी हमको मार्ग पर, लक्ष्य पर पहुंचने का सूत्र मिल जाएगा। अब देखें, अगर सत्य और विवेक एक जो उसका युग्म है, तो सभी सत्य, चूंकि सत्य नारायण है, और उस सत्य को पहुंचने के लिए सिर्फ विवेक का ही सहारा लिया जा सकता। आजकल बुद्धि काम ले, बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि किसके पास नहीं है, बुद्धि तो आप समझें कि उसके पास है जो यूपी में आजकल कोहराम मचा हुआ है, कि कुछ चीते आ रहे हैं, कुछ सियार मिल करके इतने चालाक हो गए हैं कि पूरी टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर दिए हैं, क्या उनके पास बुद्धि नहीं है, दसों लोगों का नरसंहार कर चुके हैं, उनके पास भी बुद्धि है, तो इंसान के पास तो स्वतः बुद्धि बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बुद्धि से नहीं, विवेक की आवश्यकता है। बुद्धि में जब शुद्धि आती है, तब विवेक जागृत होता है, और दूरदर्शिता के साथ में समझदारी को ही बुद्धि कहते हैं। हम बुद्धि किस दिशा में लगा पा रहे हैं, इस पर निर्भर, और विवेक की उपयोगिता ही है सत्य को खोजने में। और सत्य चूंकि आवरणों से ढका रहता है, उसमें आवरण अज्ञानता के भी होते हैं, आग्रह के भी होते हैं, इन पर विधिवत चर्चा चल चुकी है। और दूसरा अगर हम लक्षण लें, तो संयमशीलता और कर्तव्यपरायण, क्योंकि सत्य की आवश्यकता है कुछ भी कर्तव्य करने के लिए, और कर्तव्य ही धर्म है, कर्म ही धर्म की परिभाषा जब आती है बार बार, तो उस कर्म को संपन्न करने के लिए एक बल चाहिए, और वो बल चाहे आत्मबल के रूप में हो, मनोबल के रूप में हो, शारीरिक बल के रूप में हो, बुद्धि बल के रूप में हो, संगठन बल, किसी भी बल के रूप में हो, जितने तरह के बल होते हैं, और ये सारे बल आते हैं संयम से। वो संयम क्या है, उस पर भी पूरी चर्चा हुई है, चार तरह के संयम जिसको हमको करना, चूंकि चार तरह के सामर्थ्य ऊपर वाले ने हमको दिया है, वो चारों संयम से हम शक्ति इकट्ठा करें और उसका सुनियोजन सृजन में करें। तो संयमशीलता और कर्तव्यपरायणता, ये दूसरा युग्म हो गया धर्म का। और अगर हम तीसरे युग्म पर आते हैं, तो अनुशासन और अनुबंध,
अनुशासन के बिना तो शरीर भी नहीं चल सकती। ईश्वर अनुशासन का ही नाम है। एक अनुशासन में ही सृष्टि का संचालन चल रहा है। तो हमारा आत्मा अनुशासन अनुबंध कहलाता, जो आंतरिक होता है, और जो बाहर में दिखता है उसको अनुशासन कहते हैं। तो हमारे अंदर में क्या प्रेरणा आ रही है, जिसको हम संस्कार भी कह सकते हैं, संस्कृति भी कह सकते हैं, आत्मा अनुशासन भी कह सकते हैं, उसी को अनुबंध कहा गया। ईश्वर के साथ में हमने एक अनुबंध कर लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट से जब डेविएट होते हैं तो हमारे अनुशासनहीनता में परिलक्षित होता है, तो हमारी सभ्यता भी डेविएट कर जाती है। एक संस्कृति है, दूसरी सभ्यता है, इसी को अनुशासन और अनुबंध कहते हैं। ये भी धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। और अगर हम चौथे लक्षण पर आते हैं युग पर, तो स्नेह सौजन्य के साथ में पराक्रम जुड़ा होना चाहिए। जब तक पराक्रम नहीं रहेगा तो स्नेह सौजन्य कमजोर पड़ जाएगा। तो पराक्रम से जिस पर अभी चर्चा चली थी कि हम दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करते हैं, तो सत प्रवृत्तियों का संवर्धन और सृजन स्नेह के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, उदार भक्ति भावना के माध्यम से करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। और जो लास्ट युग में बनता है, सहकार और परम, सारे जो ईश्वर अवतार लिए उन्होंने इसको दिखाया है कि सहकारिता में ही, संघीय शक्ति में ही, संघ में ही शक्ति होती है। और संघ शक्ति जो है वो तो जो दुष्ट होते हैं उनकी भी होती है। तो फिर यहाँ पर जो संघ से शक्ति उत्पन्न हो उसको अगर हम परमार्थ परायणता में लगाते हैं, वो धर्म के लक्षण में आ जाता है। और अगर वो परमार्थ परायणता में नहीं लगती है, स्वार्थ संकीर्णता में लग जाती है, तो फिर अधर्म हो जाता है। तो स्नेह सहकार और परमार्थ, इसी से हम प्रगति करते हैं। चाहे भगवान राम को ले लें, चाहे भगवान कृष्ण को ले लें, चाहे बुद्ध जी को ले लें, सबने इसको दिया है। बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। संघ को इम्पॉर्टेंट बताया है, सहकारिता को बताया है, मिलजुल करके हम काम, यही इसका मूलाधार बनेगा आगे चल करके। अब अगर हम तीसरे मंडल में आते हैं, तो जो सदगृहस्थों के लिए रखा गया था परिवार खंड, वो महर्षि धोम, हरिद्वार में कुंभ पर्व लगा हुआ है। कुंभ पर्व स्पेशली सबके लिए होता है, वहां पर संत महात्मा भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो अपने ज्ञान के माध्यम से जन समुदाय को लाभान्वित करते रहते। अब वहां पर जो चर्चा चलती है, तो महर्षि धोम टोटल 7 अध्याय इसमें आते हैं। 7ों अध्यायों पर उन्होंने अपनी विस्तृत विवेचना दी है। परिवार व्यवस्था प्रकरण है, गृहस्थ जीवन प्रकरण है, नारी महात्म है, शिशु निर्माण है, वृद्ध जन महात्म है, सुसंस्कारिता संवर्धन परिवार में कैसे करें, और लास्ट में विश्व बनना है। मतलब एक व्यक्ति के निर्माण से लेकर के, और व्यक्तित्व तो हमारा इतना विराट हो जाए कि आत्मा तो सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम, ये उसकी पूर्णता है। तो परिवार की परिधि, गृहस्थ की परिधि वहां तक जाती है। इसके लिए प्रैक्टिकल जो प्रयोगशाला है, जो व्यायामशाला है, जो पाठशाला है सूत्रों की, वो परिवार है। तो परिवार की अगर व्याख्या इसमें किया गया, तो परिवार की व्याख्या किया गया है परम पूज्य गुरुदेव ने जी ने, सद्भावना और सहकारिता पर आधारित एक पवित्र संगठन। हम सभी मान के बैठते हैं कि नहीं, जो हमारे कुटुंब जन है, भाई बेटे हो गए, पोते हो गए, ये हो गए, नहीं, सिर्फ वही नहीं है। और अगर हमारे ब्लड रिलेटिव मिल करके एक सद्भावनापूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं, तो उसको परिवार नहीं कहा जा सकता है, चाहे वो बाप बेटे का ही क्यों ना हो। और एक विशिष्ट लक्ष्य लेकर के डिफरेंट फील्ड के लोग
अधिक अन्य क्षेत्रों के लोग मिलकर के एक संगठन बना ले, वो परिवार है। और अगर हम कुटुंब को लेके चलें तो हमारे पूरे दर्शन में देखें, जितने भी अवतार हुए हैं अधिकांश सब परिवार वाले थे। हमारे सप्तऋषि जो ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं सब परिवार जात थे, सारे देवता परिवार वाले थे। गुरुकुलों में जो हमारे आचार्य होते थे, सैकड़ों और हजारों पुत्र, तो पुत्र का मतलब उन्होंने शरीर से नहीं पैदा किया है, वहां पुत्र का मतलब आचरण में, आचरण पैदा किया, व्यक्तित्व पैदा किया है, शिष्यों को पैदा किया, शिष्यों को भी पुत्र बोलते हैं। हम सभी परम पूज्य गुरुदेव को यही तो बोलते हैं, पिता है, हम उनके बच्चे हैं। आज अगर पूछा जाए कि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के कितने पुत्र हैं, करोड़ों की संख्या में, आप गिन नहीं पाएंगे। ये कहने की शैली होती है, ये पारिवारिक। और गृहस्थ प्रकरण में क्या बताते हैं कि गृहस्थ एक तपोवन है। जब हम तपस्या करने के लिए जाते हैं, एक वातावरण लेने जाते हैं, किसी कंदरा में जाते हैं, किसी हिमालय पर जाते हैं, किसी पर्वत पर जाते हैं, एकांत में जाते हैं, उस तरह का वातावरण तो सहजता में हमको अपने घर में मिल सकता, बस खाली हमारी दिशा सही है। ये तपोवन कैसा है, इसमें साधना करनी पड़ती है, संयम की, हाँ जी, सहिष्णुता की और सेवा की। ये तीनों साधनाएं अगर हमारी संपन्न होने लगे तो ये तपोबल बन जाता है। और जो परम पुरुषार्थ जिसलिए हमने शरीर धारण किया है, उसके लिए फिर किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके सरल सूत्रों को परम पूज्य गुरुदेव ने लिपिबद्ध किया है, जो कि उन्होंने दोनों को देखा, हिमालय को भी देखा और घर को भी देखा, समाज को भी देखा, एकांत तपस्या को भी देखा, और उसके माध्यम से जो सरल सूत्र इन्होंने लास्ट में लिखा है, बहुत ही सहजता के ढंग से कैसे हम गृहस्थ को एक तपोवन बनावें। और उसी में उन्होंने नारी महात्म्य भी दिया है, तो नारी परिवार की धुरी बताया है, और नारी जो है उसकी प्रधानता भाव की होती है, इसलिए उसको स्नेह सौजन्य से हम सही दिशा में ला करके और उसके व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। और जितना हमारा परिवार का धुरी केंद्र मजबूत होगा, उतना ही परिवार हमारा सुविकसित और सुव्यवस्थित होता चला जाएगा। फिर शिशु निर्माण पर आते हैं, तो वही शिशु जिसको हम अपना बच्चा समझ रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारा देखने का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाए, वो कल समाज का संचालक और राष्ट्र का नायक है, उसके साथ हमको क्या व्यवहार करना है, उसको जो गृह का उद्यान है उसका एक सुरम्य पौधा है, जिसके भविष्य में समाज का संचालन और राष्ट्र का नियमन लिखा है, उसको अगर उस ढंग से हम ट्रेन करने लगे तो ये हमारा तपोवन है। और उसके बाद आता है वृद्ध जन महात्म। वृद्ध जन महात्म्य में समस्याएं कहाँ आती हैं, लोभ मोह अहंकार जब इतना ज्यादा हमारा दृढ़ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, तब हमारे सामने समस्याएं आती हैं। और इसका उन्होंने बहुत सादा प्रश्न दिया है कि अपने जीवन को दो भाग में डिवाइड कर लो, आधे को पूर्वार्ध कर लो और आधे को उत्तरार्ध कर लो। पूर्वार्ध को हम लौकिक प्रगति में लगा दें और उत्तरार्ध को आध्यात्मिक प्रगति में झोंक दें, तो फिर हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, हमारी उपयोगिता बढ़ जाएगी, हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। और जब तक हम अपने को स्वार्थ संकीर्ण दायरे में घेरे रहेंगे, मौत का इंतजार करते रहेंगे, और इन सिद्धांतों और सूत्रों से परे होकर के, तो फिर अपमान की घूंट भी नहीं बनेंगे। और उसके बाद फिर आता है सुसंस्कारिता संवर्धन। परिवार के अंदर क्योंकि संस्कारिक हमको करना है, सबको देव मानव बनाना है,
परिवार को एक स्वर्ग का वातावरण देना है, ऐसी स्थिति में हमको वातावरण देना भी पड़ेगा। तो स्वाध्याय की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था, गोष्ठी की व्यवस्था, इसके लिए उपासना कक्ष, पुस्तकालय, सबके अनुरूप हो, सबको दर्शन मिलता रहे, सबको सूत्र मिलते रहे, सबके आचरण में उतरते रहे। और जो हमारे तमाम वरिष्ठ लोगों ने क्लास लिया है, जीवन जीने की कला हमारे नेब साहब ने बताया है, इसको इसी में डालने की आवश्यकता। बड़े छोटों का सम्मान कैसे करें, उनका प्यार कैसे करें, छोटे बड़ों का आदर कैसे करें, और जो प्रतिदिन का हम लोगों का चलता है घर गृहस्थी में, वरिष्ठों का सम्मान करते हैं और वरिष्ठ लोग छोटों के साथ में एक अच्छे उदाहरण पेश करते हैं, परिवार हमारा संस्कारित होता चला जाता है। और अब हम आते हैं तीसरे अध्याय पर, चौथे अध्याय पर, तेव संस्कृति। महर्षि कात्यायन का गुरुकुल जो टकसाल था उसमें सत्र चलता है, और इसमें 7 अध्याय देव संस्कृति की जिज्ञासा, उसके बाद वर्णाश्रम धर्म, उसके बाद संस्कार और पर्वों का हमारी संस्कृति में क्या महत्व है, तीर्थों का और देवालयों का क्या महत्व है, मरणोत्तर जीवन प्रकरण की क्या आवश्यकता पड़ गई है, आस्था संकट पर सवाल दूसरे दृष्टिकोण से क्या देखा जा सकता है, और प्रज्ञा अवतार पर क्या है, इस पर टोटल चर्चा चली है। तो देव संस्कृति की जिज्ञासा में अगर हम देखते हैं तो इस पर मुख्य बिंदु जो दिया गया है वो पदार्थ चेतना और आत्म चेतना, दो भागों में डिवाइड की गई है, दोनों में चेतना होती है। जब पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण होता है और आत्म चेतना ईसा अनुशासन में काम करती है तो यह देव संस्कृति बन जाती है, और दोनों जरूरी होता है। जितना महत्वपूर्ण शिक्षा है उससे कम महत्वपूर्ण विद्या भी नहीं है, और खाली विद्या को लेकर चलेंगे तो अंधे कुएं में गिरेंगे, और खाली शिक्षा को लेकर चलेंगे तो वही दुर्दशा होगी जो आज हो रही है। इस पर पूरी चर्चा इसके अंदर चला है, और जो टारगेट है शिक्षा और विद्या का, वो टारगेट यही है कि हमारे मानव जीवन का जो उद्देश्य है, अंतरंग परिष्कृत हो और बहिरंग सुविकसित और सुव्यवस्थित हो। तो इसके इंपॉर्टेंट सूत्रों को इसमें दिया गया है ताकि हम भारतीय संस्कृति को समझ सकें और बच्चों को भी समझा सकें। खाली भारतीय संस्कृति कहने से बच्चों में एलर्जी न पैदा हो जाए। और दूसरे अध्याय में आते हैं कि वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम। तो वर्ण जो है वो जातिगत नहीं है, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बनाया गया है। हर व्यक्ति का अपना एक गुण होता है, उसके काम करने की एक शैली होती है, और उसका अपना एक स्वभाव होता है, उसके अनुसार किस फैकल्टी का चयन करता है। और एक ही व्यक्ति के अंदर ये चारों वर्ण भी आते हैं, उसी की शूद्रावस्था भी आती है, उसी की वैश्यावस्था आती है, उसी को क्षत्रिय अवस्था आती है, उसी को ब्राह्मण की अवस्था आती है, और अपने व्यक्तित्व का वो निर्माण करता चला जाता है। इसको जिस भी स्वरूप में हम समझना चाहें, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो है ये भारतीय संस्कृति का प्राण है। और इसको कहाँ पर कौन पैदा हुआ है इसके आधार पर सोचना भी एक तरह से मूर्खता है, जो आज के डेट में लोग लेके चलते हैं। और आश्रम, आश्रम को भी 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, तो ब्रह्मचर्य हम शिक्षा को ग्रहण करें, उसके बाद भौतिकता का विकास, लोक का विकास करें, जितना भी अपना विकास करना है वो गृहस्थ आश्रम में कर लिया गया है, और उसके बाद जब उत्तरार्ध शुरू होता है तो फिर समाज का कल्याण करें, और जो लास्ट में आता है तो राष्ट्र कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पनपाने के लिए सम्यक न्यास हो जाता है, जिसको संन्यास कहते हैं। अब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर वर्णाश्रम धर्म के बाद संस्कार पर्वों का क्या महत्व है। तो व्यक्तिगत परिष्कार जब हम करते हैं तो संस्कारों के माध्यम से, तो 12 संस्कारों की चर्चा परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। और अगर हम समाज का कल्याण करते हैं, समाज के स्वभाव को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्वों का महत्व है। इसीलिए राष्ट्रीय पर्व भी बनाए गए हैं, धार्मिक पर्व भी बनाए गए हैं, ताकि हम उस पर्व के दिन जो उद्देश्य होता है शिक्षण का, प्रशिक्षण का, उसको भी पूरा करें, आपस में मिलना जुलना भी रखें, आत्मीयता का विकास भी करें। और एक हीरो रखा जाता है हर पर्व का, उसके गुणों से वो अपने में आत्मसात करने का प्रयास करें। तो पर्वों का और संस्कारों का ये एक प्राण होता है देव संस्कृति का, इसका महत्व दे दिया गया है। अब आते हैं तीर्थ और देवालयों पर। तो तीर्थ देवालय में हमारी जो परंपरा रही है, गुरुकुल की रही है, आश्रम की रही है, आरण्यक है, मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, ये सब शिक्षण प्रणाली थी। इनके माध्यम से
जीवन के गूढ़ रहस्यों का शिक्षण होता था, और इन्हीं में वो चारों विद्याएं पढ़ाई जाती थी। गुरुगुरी पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, सारी विद्याएं। मोटे रूप में चार विद्याओं की बात आती है, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, तत्व विद्या और सर्व विद्या। ये सारी विद्याओं के लिए इन परंपराओं को रखा जाता था, चाहे मूर्तियों का निर्माण हो, वो भी हमारे शिक्षण के लिए ही व्यवस्था। सर्वापि प्रतिमा देशे पाठ्य पुस्तक अस्ति माध्यमेन च यत् शास्त्रं जीवन शास्त्र दर्शनम्। ये सभी प्रतिमाएं पाठ्य पुस्तकें हैं। जिस समय कागज कलम स्याही नहीं होती थी, उस टाइम भी शिक्षण था, वो ऋषियों की व्यवस्था थी। इसके माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को बाल सुलभ ढंग से जन सामान्य को समझाने का एक तरीका। तो चेतना की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। फिर मरणोत्तर जीवन में आते हैं, तो जो हमारे जीवन का सिद्धांत होता है, चार जो हमारा आस्था जिसे कहते हैं, वो संकट में आ गई है, वो चार हमारे आस्था। शरीर पैदा हुआ है तो मरेगा ही मरेगा, जो पैदा हुआ उसका विनाश होना है। आत्मा न मरती है न पैदा होती है, ये अजर है अमर है, इसलिए हम चिरंतन है सनातन है, आगे भी रहेंगे। तीसरा सिद्धांत कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। जैसा कर्म करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा, उसको नहीं काटा जा सकता। और चौथा सिद्धांत जो है पुनर्जीवन, क्योंकि जीवन एक परंपरा है, मृत्यु एक पड़ाव है, ये गतिशील रहेगा। और इसी के आधार पर मरणोत्तर जीवन प्रकरण, हमारा हमारे पूर्वजों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, हम अपनी श्रद्धा कैसे उन पूर्वजों को अर्पित करें, उनका तर्पण कैसे करें, इसका विज्ञान सम्मत विवेचन इसके अंदर खोल किया गया है। और फिर आस्था संकट पर एक दूसरा दृष्टिकोण लेके आए हैं कि आज के समय में जो पढ़ा लिखा वो युग है, तो तर्क और तथ्य के माध्यम से लोग समझते हैं, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद दिया कि अध्यात्म के जो गूढ़ साधना के सूत्रों को भी उन्होंने बताया है, उसको भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से टोटल मेडिकल साइंस के हिसाब से जोड़ा है। इससे इसको कुछ मैच कराया जा सकता है, एग्जैक्ट तो मैच संभव नहीं है, लेकिन हाँ इसको अगर हम आनंदमय कोष को जागृत कर रहे हैं तो उसको मेडिकल टर्मोलॉजी में आरएएस कह सकते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, न्यूरो हेमरल सिक्रेशन कह सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं। तो ये अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष, ये बायो इलेक्ट्रिक है, बायो मैग्नेटिक है, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से उन्होंने विज्ञान सम्मत सूत्रों को भी दिया है और अध्यात्म की टर्मोलॉजी को जो ऋषि मुनि यूज करते थे उसको भी दिया है, और जो डॉक्टर और मैनेजर यूज कर रहे हैं उसको भी दिया है। तो उसके माध्यम से उन्होंने आस्था संकट को दूर करने का उपाय बताया है। और प्रज्ञा अवतार में सारे अवतारों की चर्चा किया उन्होंने कि शुरुआत अवतारों की परंपरा की कहाँ से होती है, और जल से ही जीवों की उत्पन्न हुई है, तो पहला अवतार मत्स्य अवतार से शुरू करते हैं और नवा अवतार ले जाते हैं बुद्धा अवतार में, अगर 10 अवतारों को लेकर चलते हैं, और अगर 24 अवतारों को लेकर चलते हैं तो 23वां अवतार बुद्धा अवतार को मानते हैं। और उसके बाद जब आने की बात आ रही है, क्योंकि बुद्धा अवतार में जो उन्होंने 3 सूत्र दिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वही यहाँ पर आकर के नैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और आगे आने वाले, क्योंकि अब बुद्धि से काम नहीं चलने वाला, अब आवश्यकता है प्रज्ञा की, दूरदर्शी विवेकशीलता की, रितंभरा की, इसके बिना काम नहीं चल सकता है। और इसके आने पर जो युग आएगा वो किस रूप में आएगा उसकी पूरी विवेचना दी गई है, और उसको प्रज्ञा युग नाम दिया गया है। और 5वां अध्याय अगर आते हैं तो ये ऋषि मुनि और वरिष्ठों के लिए जो रखा गया था, इसके जो 17 अध्यक्ष हैं आत्म कल्याण प्रकरण में, कोई महर्षि याज्ञवल्क है और त्रिपुरा में एक ज्ञान सत्र रखा गया था, और इसमें उन्होंने जो दिया है एक विशिष्ट दृष्टिकोण दिया है कर्म व्यवस्था में, आत्मिक परिष्कार की, लोक साधना और व्यवहारिक तपोयोग क्या होना चाहिए, और आत्मबोध कैसे हो सकता है, धर्म धारणा प्रकरण क्या है, सर्वधर्म संभाव प्रकरण क्या है, और उपासना और साधना आराधना का व्यवहारिक स्वरूप क्या है, इसके ऊपर पूरा विधिवत चर्चा इस पर चल चुकी है। और कर्म व्यवस्था प्रकृति में अगर हम देखें तो जो द्विधा प्रकृति हमारी है, जड़ और चेतन से सृष्टि बनी हुई है, तो जड़ भी उतना पावरफुल है, खींचता अपनी तरफ, और चेतना भी पावरफुल है, लेकिन चूंकि हम गिरने के शौकीन होते हैं तो जड़ता में फंस जाते हैं, इसीलिए कर्म फल की एक व्यवस्था कर दी गई, सुनिश्चित व्यवस्था है। और स्वतंत्र चयन जैसे हम करते हैं,
उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ पाते हैं और बृहत्तर दायित्वों का निर्वहन हम चेतना के परिष्कार के माध्यम से कैसे कर सकें, ये टोटल चर्चा कर्म व्यवस्था प्रकरण में दिया गया है। उसके बाद अगर हम आते हैं आत्म परिष्कार वितरण में, तो आत्म परिष्कार में मनुष्य जन्म तो सभी पाते हैं, बड़े मान भाग्य मानुष तन पावा ये महत्वपूर्ण नहीं है। मनुष्य का जन्म तो साधारण ढंग से मिल जा रहा है, लेकिन सौभाग्यशाली वो है कि जो मनुष्य का अंतःकरण प्राप्त कर ले, और मनुष्य का अंतःकरण बिना आत्म साधना के संभव ही नहीं है। उसी के लिए आत्म परिष्कार कैसे किया जाए और जो जीवन का उद्देश्य है आत्मनोमोक्षार्थम जगत हिताय, समाज की सच्ची सेवा करते हुए, संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना, इसका सरल सूत्र क्या है, इस टारगेट में रखा गया है आत्म परिष्कार में। फिर व्यवहारिक तपोयोग, तप और योग से ही समग्रता उत्पन्न हो सकती है, तो तप जो है आत्मसंयम कैसे किया जाए, आत्मसंयम कैसे हो सकता है, कितने तरह का हो सकता है, और योग में एक सामान्य आदमी 5 सील और 4 वर्चस को अपने अंदर कैसे समाहित करे, उसी को 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे धनुष 1 गुण देव हमारे, यही तो कहा है उन्होंने भगवान राम ने परशुराम के सामने, हे भगवान हम तो एक ही गुण जानते हैं धनुष तोड़ना जोड़ना, आप तो 9 गुणों से संपन्न है, वो 9 गुण आज के समय में क्या हो सकते हैं। उसमें 5 को सील कहते हैं, 5 सील उसमें आता है शालीनता, चौथा है मितव्ययता और पांचवा है सहकारिता। ये 5ों अगर गुण हमारे अंदर आ गए तो हम कह सकते हैं कि हम पंचशील को अडॉप्ट कर लिए। और 4 आंतरिक गुण हैं, जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी और ईमानदारी, ये 4 वर्चस हैं। और यही 5 सील और 4 वर्चस मिलकर के 9 परम पुनीत गुण कहलाते हैं। इसकी चर्चा इन्होंने पूरा इसमें किया है व्यवहारिक तपोयोग में। अब उसके बाद आता है आत्मबोध प्रकरण। आत्मबोध, जानकारी जब बोध के स्तर पर जाती है तब उसको ज्ञान कहते हैं, क्योंकि जब तक अनुभव जन्य जानकारी न हो तो हम ज्ञान नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ज्ञान योग करते हैं तो आत्म परिष्कार, कर्म योग के माध्यम से लोक का कल्याण कर पाते हैं, और भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर दर्शन, मतलब अपने में पूरे संसार को देखना और पूरे संसार में अपने को ज्ञात देखना, इसके भी बिंदु साधना करनी पड़ती है। और फिर आता है नेक्स्ट अध्याय धर्म धारणा का। धर्म को अभ्युदय उन्होंने कहा है, निःश्रेयस कहा है, और आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के माध्यम से जीवन की सार्थकता कैसे सिद्ध की जाए और पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। ये आस्तिकता कैसे है, उसका क्या सूत्र है, आस्तिकता मतलब ब्रह्मसाज्जिता, आध्यात्मिकता मतलब आत्मिक परिष्कार, धार्मिकता मतलब संसार की सेवा कैसे की जाए, इसके सूत्र दिया गया है। और उसके बाद सर्वधर्म संभाव, टोटल निचोड़ जो सारे धर्मों का है वो है प्रेम और सेवा। और जब इन सूत्रों के माध्यम से जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, टारगेट हमारा क्या होता है, आत्म सर्वोद्देश और वस्तु कुटुंबकम। और धर्म और संप्रदाय दोनों जरूरी होता है, संप्रदाय उसका बहिरंग स्वरूप है, धर्म उसका आंतरिक है। धर्म सबका सेम हो सकता है, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, हमारी जीवन शैली अलग हो सकती है, लेकिन दोनों हमको समग्र बनाते हैं और समग्र धर्म के रूप में हमारे टोटल व्यक्तित्व का रूपांतरित कर देते हैं। और उसके बाद फिर आता है उपासना, साधना और आराधना, जो त्रिधा प्रकृति हमारी है जिससे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसमें उपासना किसकी करें, ब्रह्म की, साधना किसकी होनी चाहिए, जीवन की, और आराधना किसकी, संसार। और इसके माध्यम से क्या होगा, इन तीनों को अपना करके चिंतन हमारा जो है उत्कृष्ट हो जाएगा, चरित्र हमारा प्रखर हो जाएगा और व्यवहार में हमारी शालीनता आ जाएगी। और अब लास्ट अध्याय चलते हैं तो देवात्मा हिमालय खंड में। ये महर्षि देवर्ष नारद जो है वह देवभूमि हिमालय क्षेत्र में 10 ऋषियों को लेकर के और भ्रमण करते हुए उनका शिक्षण व्यवहारिक देते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, और 7 दिन तक सफर चला है। तो पहले दिन देवात्मा हिमालय, दूसरे दिन ऋषि प्रकरण, तीसरे दिन हिमाद्री हृदय क्या है,
चौथे दिन अदृश्य लोक प्रकरण, उसके बाद यज्ञ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान क्या है, फिर आत्मशोधन, और फिर लास्ट में महर्षि परंपरा का पुनर्जागरण, पुनर्जीवन कैसे हो। पहले दिन जब देवात्मा हिमालय के बारे में बताते हैं तो देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि उस हिमालय क्षेत्र को बताते हैं कि यही उनकी तपोभूमि रही है और यहीं पर उन्होंने रिसर्च किया है, क्रिया भूमि भी यही है। और इसीलिए देवता चूंकि सूक्ष्म शरीरधारी होते थे तो उनके स्थान अगम्य थे। अच्छा और उसके बाद फिर ऋषि परंपरा में आते हैं तो ऋषियों मुनियों की तपस्थली को दिखाते हैं, व्यास गुफा को दिखाते हैं, उनके अनुसंधान केंद्रों को बताते हैं और अलग अलग ऋषियों ने क्या कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, व्यास जी के बारे में विशेष रूप से साहित्य की रचना कैसे कैसे उन्होंने किया है, वो सबके बारे में पूरी चर्चा आती है। फिर हिमाद्र हृदय आता है कि पूरे हिमालय का हृदय कहाँ है, कहाँ पर अध्यात्म का केंद्र, और अध्यात्म का केंद्र बताते हैं सुमेरु पर्वत, वहां पर शिवलिंग है, कैलाश है, स्वर्गारोहण है, तपोवन है, नंदनवन है, इन सारे क्षेत्रों की चर्चा होती है और उससे कैसे हमारे ऋषि मुनि लाभान्वित होते हैं और ऋषि मुनि लाभान्वित होकर के अपने रिसर्च के माध्यम से जन सामान्य को लाभ कैसे पहुंचाते हैं उसकी पूरी चर्चा हुई है। उसके बाद अदृश्य लोक प्रकरण आता है कि दृश्य जगत तो इंद्रिय गम्य है लेकिन जो अदृश्य जगत है वो इंद्रियातीत है। तो जब हम सूक्ष्मता में जाते हैं, कारण शरीर में जाते हैं, तो उसके लिए हमको साधना के माध्यम से आत्म परिष्कार करके जब हम इंद्रियातीत होने लगते हैं तो हमारी पहुंच वहां पर हो पाती है। और वो कैसे पावरफुल होता है, एक स्थूल अगर सूक्ष्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कितनी पावर उसकी बढ़ जाती है उसकी साइंस, और उसका उपयोग आगे देते हैं यज्ञ विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में कि पूरी वनस्पतियों से, वृक्षों से ही हमारी शरीर की रचना होती है और उसी से पोषण होता है। और एक अन्न, अन्नमय ब्रह्म, ब्रह्म तक कैसे बनता है, अन्न से रस बनता है, रक्त बनता है, बीज बनता है, मज्जा बनती है, अस्थि बनता है, और वही फिर मन बनता है, बुद्धि बनता है, चित्त बनता है, अहंकार बनता है, और वही जाकर के चेतना के रूप में रूपांतरित होता चला जाता है। तो सृष्टि व्यवस्था में चाहे हम उल्टे चलें और चाहे हम सीधे चले, चेतना ट्रांसफार्म होती है, एको हम बहुश्यामी, और जब बहुश्यामी एक में सिमट जाता है तो वही एक दूसरे पर, तो दोनों को लेकर के चलते हैं। तो वृक्ष वनस्पतियों का क्या उपयोग है और यज्ञ विज्ञान क्या है, यज्ञ विज्ञान में मंत्र विज्ञान कैसे काम करता है, अग्नि विज्ञान कैसे काम करती है और औषधि विज्ञान कैसे काम करती है, और सूक्ष्मता की पूरी साइंस यज्ञ विज्ञान में है, इसी को यज्ञोपैथी नाम दे दिया गया है। और उसके बाद आते हैं आत्मशोधन प्रकरण कि आत्मिक प्रखरता जो है वही परम पुरुषार्थ है, और एक ही सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है पंचको साधना में, जो सूत्र आया है तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा तपो ब्रह्म, बिना तप के माध्यम से हम अंतःकरण का शोधन नहीं कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हम व्यवहारिक तपो योग को आत्मसात करेंगे उतना ज्यादा आंतरिक परिष्कार होता चला जाएगा, उतने आंतरिक पवित्रता बढ़ेगी और प्रखरता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, तो फिर हमारा आत्मशोधन हो जाएगा। और लास्ट जो देते हैं कि महर्षि परंपरा का पुनर्जीवन, वर्तमान विभीषिका का निवारण उसी से संभव हो सकता है जब तक हम ऋषि परंपरा को लेके नहीं चलेंगे, और उसी के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और राष्ट्र निर्माण का मतलब राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र का गौरव मतलब भारत जो पहले विश्व गुरु भी था और सोने की चिड़िया, संपन्नता में पराकाष्ठा पर और आध्यात्मिक उन्नयन में भी पराकाष्ठा, और ये दोनों लक्ष्य पूरे होने के लिए ऋषियों ने अपनी अपनी परंपरा ले लिया। तो व्यास परंपरा चल पड़ी, पतंजलि परंपरा चल पड़ी, चरक परंपरा चल पड़ी, याज्ञवल्क परंपरा, नारदी परंपरा, विश्वामित्र परंपरा, जमदग्नि परंपरा, वशिष्ठ परंपरा, कात्यायन परंपरा, इत्यादि तमाम ऋषियों ने एक एक परंपरा को पकड़ा। किसी ने यज्ञ विज्ञान पकड़ लिया, किसी ने स्वास्थ्य विज्ञान, किसी ने यूनिवर्सिटी साइंस पकड़ लिया, कोई तप विज्ञान पकड़ लिया, कोई मंत्र विज्ञान पकड़ लिया, और कोई परिव्राजक परंपरा, नारदी परंपरा पकड़ लिया। तो सब ने मिलकर के एक साथ एक स्वर में और फिर अपने अपने क्षेत्र में उतल पड़े
और यही जब अभियान आगे आंदोलन का रूप ले लिया तो फिर प्रज्ञा योग का अवतरण एक एक करके धीरे धीरे होने लगा और आज की वर्तमान की समस्याओं का निराकरण इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है। यह सरल और सुपाच्य उपाय परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रज्ञा उपनिषद में रचा है, जिसको 51वीं सीरीज के रूप में हम लोगों ने लिया है और लगभग 1 घंटा होने जा रहा है इस पर चर्चा किया। और इसी के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हम अर्ण अपनी जी। वाणी को विराम करते हैं और आज ये सत्र जो श्रृंखला चल रही थी उसका समापन है। और अब कुछ अगर किसी को शेयर करना है तो अपने विचारों को, अपने उद्गारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय चिंता से पूछ सकते हैं, ऑलरेडी अनम्यूट है। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय आनंद पांडे तक बोलेंगे। आज 51 खंड अपने कंप्लीट हो गए ना प्रज्ञा परिषद के। हाँ सर, हाँ सर। बहुत एक लंबी यात्रा रही आपकी। जी अब असल में 6 मंडलों का एक एक समीक्षा लिया गया अलग अलग से, तो 6 वो हो गए, 42 तो 42 दिन का चला ही, और 2 जो है इसका परिचय हुआ। पहला परिचय उपनिषदों का और दूसरा प्रज्ञा उपनिषद की जरूरत क्यों पड़ गई थी, तो कुल मिला के 50 हो चुका था। और एक है समग्रता में पूरा सारांश क्या है प्रज्ञा उपनिषद का, क्या कुछ इन्होंने दिया A to Z। चलिए, कोई किसी के जिज्ञासा हो, चौधरी साहब के साथ सोच रहे हैं कुछ पूछने के लिए। सर आपने अवसर तो सबको दिया है, पूछना तो कुछ है नहीं सर, सब लोग मार्गदर्शक मंडल में हैं, सब कुछ न कुछ अपनी प्रेरणा ही देंगे जिससे हम सभी लाभान्वित होंगे। तो ऋषि साहब कुछ बोले सर, अनम्यूट थोड़ा कर लिए कुछ सर। कहना मैं चाहते हैं, माइक बंद करके कह सारे। एक ही आता है कि शुरू होने से पहले भी प्रज्ञा उपनिषद की बात कर रहे थे, पांडे जी से मैं बात कर रहा था, वे ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो भी संपर्क में आया किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है, जिस तरह गीता का है, महाभारत का है, भागवत का है। ये आप तो ये कह रहे आगे चल रहा है, ये प्रज्ञा योग आएगा तो सबको जानेंगे, लेकिन यही एक मन में आता है कि ये इसका आगे उद्धार कैसे किया जाए, प्रचार कैसे किया जाए। वही वाली एक बात आती है, आप कह रहे गुरुदेव अपने आप कर रहे हैं, विचार क्रांति है तो अपने आप हो जाएगा। आपका आपका उत्तर भी मुझे नहीं पता है। सर, गुरुदेव ने तो एक ही सूत्र दिया है सर जो हम समझ पाए हैं, कि भाई हम हाँ अपने ऊपर इसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हाँ लाभान्वित हो रहे हैं, जो प्रेरित हो रहे हैं, तो वो जो देख रहे हैं तो वो हम उससे प्रेरणा बदलेंगे ले युग रहे हैं। बदल, हम बदलेंगे युग बदलेगा वाली बात में आपका उत्तर पता है हमें, लेकिन एक सर थोड़ा मन में ये भाव आता है कि ये आप बिल्कुल ज्ञान किसी को दे नहीं सकते, किसी को ठूस नहीं सकते हैं सर, कोई भूखे को ही भोजन करा सकते हैं, जो ऑलरेडी जिसका पेट भरा हुआ है उसकी भूख भूखे नहीं तो है तो सभी उसको कैसे हैं, करेंगे। भूखे संसार तो हमारे समाज तो भूखा ही है। आपने आस्था आस्था वाली बात है, वो सब यहाँ भी आती है ना, सर ये तो है कि तो जितना हम डूबते जा रहे हैं उतनी भूख बढ़ती जा रही है। अब आप ये देखें कि अगर हम प्रारंभिक दौर में लें तो जब परम पूज्य गुरुदेव ने 108 उपनिषदों का जो भाष्य किया है, और वैसे तो उन्होंने टोटल 216 का भाष्य किया है, लेकिन हमने 108 को जो है वो थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है। तो जब 108 का स्वाध्याय चिंतन किया गया तो उससे गहराई में तो जाते थे लेकिन व्यवहार में नहीं उतर पाता था। अब व्यवहार में कोई पच नहीं पाता था, खा तो लेते थे कुछ होता है कि एक सुपाच्य हो गया कि खाए, उसके बाद दूसरे दिन पूरी ताकत आ गई। तो जब प्रज्ञा उपनिषद को पढ़ने का प्रयास किया गया तो भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब किसी ने पढ़ाया इसको तब लगा कि नहीं, यहाँ तो समाधान मिलता जा रहा है। हाँ और बिल्कुल इसमें बिल्कुल जो सबसे बड़ी खासियत है, जो परम पूज्य गुरुदेव की एक नई अभिनव रचना शैली है, कि शायद ही धरती पर अभी किसी ने किया होगा, उन्होंने नया सूत्र के साथ में टीका भी दे दिया। ठीक है आज बच्चे। तक किसी रचनाकार ने टीका नहीं दिया, गोस्वामी जी लिख करके तो मानस चले गए, और टीका हमारे सारे पूरी दुनिया टीका देती है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। परम पूज्य गुरुदेव ने वो सारी समस्याएं देखा था कि लोग टीका के माध्यम से मारते हैं, तहस नहस कर देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने संस्कृत का सूत्र भी दिया और अपनी टीका भी दे दी कि भाई इस सूत्र का यह मतलब है। अच्छा, उस टीका की वजह से फिर रास्ते खुल जाते हैं।
और उस पर हमारे कुछ और वरिष्ठ विद्वानों ने उसको थोड़ा सा व्याख्या भी दे दिया उपनिषद में कि भाई इसको जो है दो तीन उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। और फिर जब उस पर प्रैक्टिकल किया जाने लगा तो लगा भाई तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब अगर लिखा है कि 3 + 2 5 होता है तो 5 जब मिल गया तो लगा हाँ सही लिखा है। तो इसलिए इसको व्यवहारिक रूप में कैसे किया जाए और सूत्रों को इतने सरल ढंग से बता दिया है कि कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। अब कोई ये नहीं बिल्कुल कह सकता है कि हमको हिंदी संस्कृत नहीं आती। अरे आपको बिल्कुल संस्कृत नहीं आती तो हिंदी तो आती है, हिंदी में तो गुरुजनों ने लिखा है, उसका अर्थ क्या है? इसलिए बहुत बिल्कुल बिल्कुल ठीक थोड़ा सा सुपाच्य है सर। और ठीक इसके माध्यम से जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो लक्ष्य मिलने लगते हैं। अब जैसे परिवार में प्रैक्टिकल किया तो परिवार में प्रेम भाव बढ़ गया, फिर थोड़ा सा इसके सूत्रों को लगाया विकास में तो विकास आंधी तूफान की तरह होने लगा, फिर थोड़ा सा शिक्षा में लगाया तो फिर बच्चों का जबरदस्त विकास होने लगा, नारियों के ऊपर प्रैक्टिकल किया तो पूरा दिशा धारा बदल गई। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल परिवार में करते हैं, फिर समाज में प्रैक्टिकल करने लगे, फिर औरों में करने लगे। तो ये तो प्रयोगशाला और पाठशाला और व्यायामशाला तीनों उन्होंने बताया, गृहस्थ में है तो बिल्कुल कहाँ जाना है, मल्ल युद्ध करते रहिए घर के अंदर। हाँ, ये तो आपने बहुत बार बोला है सही, बिल्कुल व्यवहारिक अध्यात्म में आइए, बिल्कुल वही जो हम बात कर रहे थे, बहुत 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 तो इसमें सर ये बाहर चर्चा का विषय नहीं है, ये तो खाली उतारने का विषय है कि खिचड़ी बना रहे हो कैसी है, खाइए बनाइए और मस्त रहिए और देखिए क्या होता सवेरे। तो शाम को खिचड़ी अगर पतली वाली खाएंगे तो सवेरे मन प्रसन्न रहेगा। और शाम को अगर आपने समोसे और कचौड़ी और पकौड़ी और ढेर सारी खा लिया तो सवेरे उसका रिजल्ट आपके सामने आता है कि मन आपका कितना प्रसन्न रहता है, कितना खिन्न रहता है। तो रिजल्ट तो बाद में आता है सर, उस समय थोड़ा आता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, सब चीज जब इतनी सरल है तो आदमी सरल काम क्यों नहीं करना चाहता, वो कठिन काम क्यों करना सर चाहता? आदमी आदमी सरल नहीं बनना चाह रहा है, आदमी तो टोटल अध्यात्म का और भौतिकता की फिलॉसफी यही है कि सरल बनाने के लिए आदमी सरल सहज सौम्य ईश्वर ने बनाया ही बनाया है। इसलिए सत्य बहुत सरल है, लेकिन जब हम सत्य को छिपा करके झूठ में दिखाने का प्रयास करते हैं तो दिखावा ही तो समस्या है। आवरण जहां हमने ओढ़ा, अंदर से आप बताइए कि आप कितने कुसंस्कारी हम हो जाए तब भी हम किसी का मर्डर नहीं कर पाते हैं। मर्डर करने के लिए भी हमको अपनी आत्मा को सुलाना पड़ता है, फिर हमको नशा लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है। एक खूंखार आदमी भी जो अपने को इतना खूंखार किया है, तो जब हमारी आत्मा इतना सद्भावपूर्ण है, इतना सरस है, इतना कोमल है, तो हम उस कोमलता को कहाँ ले रहे हैं? अध्यात्म का मतलब ही सरलता तो है, और क्या है? हम कितने सरल हो जाए, कितने सौम्य हो जाए। एक जो नन्हा बच्चा पैदा हुआ सबसे बड़ा आध्यात्मिक वो होता है। और जितने हम बड़े होते जाते हैं, देखिए कि 2 महीने का बच्चा अगर आप उसको गुलाब जामुन और रसगुल्ले का रस मुंह में डालिए तो क्या करेगा? थूक देगा। बकवास है ये, हम समझते हैं उसके लिए अमृत होगा, वो सरल है। वो ब्रह्म में होने का लक्षण भी एक सरलता है, सहजता है, सर निर्मलता है, ब्रह्म का अलग ही मतलब ये ब्रह्म कुछ अलग नहीं है, बस सरल हो जाए तो हम नहीं है, अपने वही कितने है, हम सरल बिल्कुल हो वही जाए, कितने हम सरस हो जाए, कितने हम वही है, सौम्य बिल्कुल हो जाए। ठीक ठीक है। आदरणीय पांडे साहब, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आभार आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, मुझे आज अवसर दे रहे हैं आप। आज मैं जानबूझ के आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह जैसे ऋषि गुरुदेव परंपरा के सिद्ध व्यक्ति को सुनने के लिए समय मैं जानबूझ के सोचा था जरूर सुनूंगा। उसका दो कारण ये थे। एक तो कल 1000वें सत्र में आपके विचार नहीं सुन पाया था मैं, क्योंकि विलंब हो गया था, आपको काफी देर आपने प्रतीक्षा की, फिर आप चले गए। तो एक तो ये था कि आपके विचार अवश्य, आप वाणी बहुत दिनों से नहीं सुनी, ऋषि वाणी को मैं सुनना चाह रहा हूं। दूसरा, आज जब यह सारांश की बात लिखी तो मेरा मन में प्रलोभन था कि मैं बहुत शुरू के वक्तव्य तो मैंने सुने, बाद में बीच में मैं कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सका, तो मेरा
मन में यह प्रलोभन था कि प्रयाग सारांश है तो अपनी बुद्धि के अनुसार मैं उन आउटलाइंस को सुनना चाहता हूं और ग्रहण करना चाहता हूं, उसका लाभ मुझके हुआ है। तो विषय वस्तु पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है क्योंकि बहुत समय लगेगा, आपने सब विस्तार से बता दिया पूरा पूरा। मेरी अनुबुद्धि में क्योंकि आप हमारे अरविंद शर्मा जी गुरुदेव के बहुत ही निष्ठावान कर्मठ साधक हैं, उसके अनुगमन करता है, जितना मैंने पढ़ा शास्त्रों को तो मुझे ऐसा लगा सारे बिंदुओं को लेकर कि इसमें गुरुदेव ने उपनिषदों को, मनुस्मृति जितनी स्मृतियां हैं उनको, गीता और महाभारत सामाजिक दृष्टि से उन सब का समावेश किया, सबको जगह जगह से लेके जो आपने जो का व्यवहारिक बात है वो इसमें रखी है, क्योंकि तरह तरह के ऋषियों के नाम आपने लिए ही हैं, उन ऋषियों की अलग अलग परंपराएं हैं, उन सब से ग्रहण करके गुरुदेव ने सामान्य व्यक्ति को ऐसा ज्ञान दिया जिससे कि वो बढ़ सके। उसमें हर चीज है, गृहस्थी है, मनुस्मृति में भी है, उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, सत्य की बात है उपनिषदों में है ही है, छांदों की है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चाहे कहें, चाहे तैत्तिरीय उपनिषद कहें। आपने कहा एक जगह कि सत्य का सत्य आवरण से ढका हुआ है, तो सत्य सब जानते हैं, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिता मुखम ईशावास्य उपनिषद है। विवेक की बात है, चाहे तो विवेक चूड़ामणि के दर्शन कर लें, चाहे किसी तरह से सद असद विवेक की बात कहें, अनुशासन की बात कहें, तो अभी जब मैं भागवत पर बोल रहा था तो हमारे देवर्षि ने पूछा भी भय क्यों होता है, मृत्यु धावती पंचमा, ये सब भय से ही क्यों चलते हैं, तो वो अनुशासन की बात भी उसमें है, सह सहकारिता की बात भी आपने कही इसमें, परिवार की बात तो है ही। अवतार आपने कहा कि अवतारों के बारे में लिखा उन्होंने, तो श्रीमद् भागवत में प्रश्न ही ये किया कि अवताराश्च का प्रयोजन, उनके अवतार क्या है, क्या प्रयोजन है, तो पुराणों की बात भी इसमें आती, मतलब यह है कि प्रज्ञोपनिषद एक ऐसा महान ग्रंथ मुझे लगता है, ऐसा महान ग्रंथ मुझे लगता है जिसमें कि पुराण भी है, स्मृति भी है, वेद भी है, उपनिषद भी है, जगह जगह से कर्मफल की व्यवस्था की बात कही, आत्म परिष्करण की बात कही, अपने उद्धार की स्वयं बात कही आपने, उद्धरे आत्मनात्मानम, आप जान स्वयं जानते हैं, गीता पर आप बोलते ही हैं, और आपके जो प्रवचन में उपनिषदों में सुन चुका हूं, जो उपनिषद के शुरू के दिए हुए आपके जो वक्तव्य हैं उनकी सबकी झलक, सबकी बात कहीं ना कहीं इसमें टच करती है, अदृश्य लोक की बात कही, तो मैं महाभारत में दिव्य लोक के ऊपर एक वक्तव्य दे चुका हूं, यदि महाभारत को मैं पढ़ता हूं और नारद जी के उन सब कथन को पढ़ता हूं, नारद जी ने जब बताया युधिष्ठिर को कि इतने दिव्य लोक हैं, तो वो सब भी झलक इसमें मिलती है। फिर अंत में जो बात कही आपने अपने तपोयोग की या परिष्करण की या प्रतंभरा की, और तपसा ब्रह्म जिज्ञा विजय जिज्ञा सस्व जो आपके मुंह से निकला वो वास्तव में तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली का ही, आप स्वयं जानते हैं, स्वयं ज्ञानी हैं आप, तो आपके भीतर सारे उपनिषदों का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, और साथ साथ में गुरुदेव का भी ज्ञान है, तो वास्तव में मैं इस वक्तव्य के लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप ज्ञान के सागर हैं, आपने इस मंच पर 50 ये जो बोले वो तो है ही, उसका एक ही दिन में पूरा पूरा आपने आउटलाइन दे दिया, तो बहुत ही हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसा विद्वान हम लोगों को बीच में है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आशा करते हैं कि अरविंद जी आपसे आग्रह करेंगे कि आगे भी आप कोई नए नए विषय लेकर आप इसमें बोलते रहें। अंत में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जितना समझ सका वो बात मैंने आपके सामने रखी। नमस्कार, थैंक यू सर। गुड सर, पंडित जी ने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया है, अगली जो आ रहा है इनका सीरियल या कड़ी जो आ रही है वो गायत्री मंत्र के ऊपर आ रही है अपना। बहुत सुंदर, गायत्री जो आदेश मिलेगा शर्मा साहब का अपने को, तो बस सर जो कुछ भी हो पा रहा है प्रयास में गायत्री के, अब ये एक एक अक्षर पे चलेंगे सर, 24 अक्षर हैं उसमें, अब ये एक एक अक्षर पे चलेंगे, उसमें किस तरह से लेंगे ये अपना जो
क्योंकि सबसे बड़ी विशेष बात ये जो आदरणीय सिंह साहब कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में आचरण उतारा, और जब व्यक्ति के आचरण में उतरता है तो बहुत टफ, बहुत प्रोसेस मतलब करना पड़ता है, एक प्रकार से इसको शीर्षासन ही कहेंगे, उल्टा मतलब जो है ना, क्योंकि आसान नहीं है, मतलब कहना और करना बड़ा टफ है मतलब, और ये ईश्वर की इन पर विशेष कृपा है जो ये इस चीज़ को कर पा रहे हैं और हमको ये दे पा रहे हैं। और इन्होंने अपने जीवन में ही नहीं, अपने परिवार में, अपने समाज में, और एक जो इनका पंचकोश साधना चल रहा है वो भी इनका एक विशेष चल रहा है, मतलब पंचकोश साधना की क्लासेस को लेना, फिर इसको करना, तो ये बहुत टफ प्रोसेस है। एनीवे चलिए सब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अच्छी सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जैसा कि विचार किया था 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं आज का विचार। आज का दिन अपनी तरह का अनोखा दिन है, आज का दिन अपनी तरह का अनोखा दिन है, क्योंकि आज देखा जाए तो सिंह साहब ने 51 कड़ी पूरी कर दी है, तो अनोखा ही दिन माना। 51 हुआ, 1001 हुआ, 1001 भी एक हुआ। हजार एक भी है, हाँ, कहते हैं ना महंत 1001 महामंडलेश्वर एक हजार, महा, तो 1001 वाले में हैं आप। हाँ, एक जब हजार एक, और आप ये आदरणीय लीजिएगा महा इसे। सिंह जी का नाम लिखा जाएगा तो ऋषि 1001 शुरू में पहले लिखा जाएगा। सर पहला डॉक्टर भी नहीं कर राधा कृष्णन भी है, सर डॉक्टर राधा कृष्णन भी आज पैदा हुए हैं सर, उनको भी तो कम से पहला कम एक बार पहला भी नमन है। कर दें। नहीं, आज हमने राधा कृष्ण का डाल दिया हुआ, बागेश ने लिया था आज ही के दिन, जी लिया जी था 2 साल जी पहले। जी एनीवे जी आज का दिन अपनी तरह का अनोखा दिन है, ये फिर दोबारा नहीं आएगा, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। किसी को खुशी दें, किसी को खुशी दें, अच्छे शब्द बोलें, किसी को खुशी दें, अच्छे शब्द बोलें, और उन्हें ठीक करने के लिए उपयोग करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें और देखभाल करना सीखें। सबकी असुबह से ले ही कर रहे हैं। यदि आपके पास ज्ञान और धन है, यदि आपके पास ज्ञान और धन है, तो आवश्यकता अनुसार मदद करने का प्रयास करें। जी ये भी क्या समाप्त हो गया, बहुत करूं अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी कर रहे हैं। ठीक आज है सर, थैंक यू सर। सुबह से हुआ ये। आइए सब 3 बार ओम का उच्चारण करते बहुत अच्छा। हैं। शांति 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 सभी सभी को पढ़ो, पढ़ाओ सभी तमाम पढ़ो। सबको। खाऊंगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।